सिंगरौली में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गौतम अडानी का पुतला दहन किया और केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है, जिसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी के तहत सिंगरौली कांग्रेस कमेटी ने भी विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उद्योगपति गौतम अडानी के पुतले जलाए। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष सूर्या द्विवेदी ने कहा कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी को फंसाया है, आगे भी हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। आज कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे भारत देश में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है, इंकलाब का नारा लेके। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवाओं के और हम सबके पूरे पार्टी के नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी को जो कुचक्र में फंसा कर, जो कि मानहानि केस में आज तक किसी को न तो सदस्यता रद्द हुई है न निलंबित सजा हुई है, कुचक्र में फंसा कर जो ये राजनीति की गई है उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस, जैसा आज सड़कों पे आपने इंकलाब देखा है कि एक तरफ एक कोने में नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंका गया, दूसरे कोने में शिवराज सिंह का पुतला फूंका गया और तीसरे कोने में अडानी का पुतला फूंका गया। इस विरोध में युवा कांग्रेस की पूरी टीम अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ इंकलाब का नारा लेते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने शंखनाद किया है। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।